हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी से हाई यूनुफ सर। सर, जिस तरीके से देखा जाए किरण बेदी और शाहजा इलमी जो है बीजेपी में शामिल हो गई है, क्या लगता है कि इस बार चुनावी इलेक्शन में तीनों पार्टियों में कितना तगड़ा कंपटीशन देखने को मिले? देखिए, तीनों पार्टियों का कंपटीशन तो दिल्ली के लोग तय करेंगे। जिस तरह शाजिया इलमी, जो कल तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल करती थी, जो गुजरात के दंगों की बात करती थी, जो सांप्रदायिकता की बात करती थी, और सांप्रदायिक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बताती थी, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट बताती थी, मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या कंसिडरेशन है कि शाजिया इलमी और किरण बेदी जी वहाँ गए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी उसूल पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ये इन दोनों को देख के अंदाजा होता है। बीच में खबर आ रही है कि अरविंद सिंह लवली जी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नई दिल्ली सीट से क्या 3K का जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगा, यानी कि बीजेपी तरफ से किरण बेदी, केजरीवाल और किरण वालिया? आप, आने वाला चुनाव बड़ा आश्चर्यजनक होगा। केजरीवाल जी चुनाव में दिखेंगे ही नहीं नई दिल्ली में, क्योंकि जो वादे करके वो भागे हैं वहाँ एक साल से, वहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए केजरीवाल जी, जो हमको झुग्गियों को पक्का करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देने की बात करते थे, वो गायब कहाँ हैं। इस इलेक्शन को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से इस बार इलेक्शन में कांग्रेस जो है आगे बहुमत से आने के लिए कौन से प्रयास कर रही है? देखिए, हम जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, जो 15 साल दिल्ली में शासन रहा, जिस तरीके से दिल्ली की तरक्की हुई, आज जो लोग बगैर किसी रुकावट के इतनी गाड़ियां होने के बावजूद चल पाते हैं 40-50 किलोमीटर की स्पीड से, अगर ये फ्लाईओवर और अंडरपासेस नहीं होते तो दिल्ली में 1 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटा चाहिए होता। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को याद है। आज 27 लाख लोग जो हैं मेट्रो से सफ़र करते हैं, अगर ये 27 लाख लोग मेट्रो ना होती तो ये दिल्ली की सड़कों पे अपने वाहन इस्तेमाल करते। इसी तरह स्कूलों की हालत देखें, हॉस्पिटल की देखें, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनको देखें, तो लोग ज़रूर इसको अब याद करेंगे, क्योंकि नारों के और वादों के बीच में हो सकता है वो गुमराह हो गए। कि हमसे बातचीत करने के लिए, तो उनका कहना था कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में कांग्रेस ने जो काम किए उसी उपलब्धियों को लेकर इस बार भी वो इलेक्शन में उतरेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से किरण बेदी ने पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि जो किरण बेदी एक समय में नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाती थी, और अचानक बीजेपी में शामिल करना खुद ही एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहती सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, मुंसिफ टीवी दिल्ली।